वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले चैप्टर में हमने पार्टिकल का रेक्टिलिनियर मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी परिवर्तनशील त्वरण के अंतर्गत किसी कण की गति कैसी होती है उसका अध्ययन करेंगे। जब एक्सेलरेशन परिवर्तनशील होता है तो वह एक्स, वाई और टी में से किसी एक या अधिक का फलन होता है। ऐसी स्थिति में जो फोर्स होगा वो भी परिवर्तनशील होगा, क्योंकि जो फोर्स होता है वो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है। इसलिए जो रेक्टिलिनियर मोशन होगा वो अंडर वेरिएबल फोर्स होगा। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति। परिभाषा क्या है? ए पार्टिकल इज सेट टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point which is called the center of motion। अर्थात जब कोई कण एक सरल रेखा में गमन करता है और उसका त्वरण इस प्रकार होता है कि वह हमेशा किसी स्थिर रेखा पर किसी स्थिर बिंदु के से कण की दूरी के समानुपाती हो और सदा उस बिंदु की तरफ उसकी दिशा हो, तो उस गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं और जो स्थिर बिंदु होता है उसको हम गति का केंद्र या बल केंद्र कहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि O एक फिक्स पॉइंट है और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स O है और P जो है वो किसी समय T पर उस पार्टिकल की स्थिति है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो x के समानुपाती होगा और माइनस इसलिए क्योंकि वह ऋणात्मक दिशा में उसकी दिशा है यानी डिक्रीजिंग साइड है और जो O है उसको हम सेंटर ऑफ मोशन यानी गति का केंद्र कहते हैं। अब नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर SHM यानी सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति क्या होगी उसका अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं कि यह एक रेखा है जिस पर O बिंदु स्थिर बिंदु है और T समय पश्चात कण P स्थिति पर है और OP को हम X के बराबर ले लेते हैं यानी OP जो दूरी है वो X ले लेते हैं और जो कण का त्वरण होगा यानी एक्सेलरेशन होगा वो X के समानुपाती होगा और उसकी दिशा केंद्र O की तरफ होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कि परिभाषा के अनुसार गति का समीकरण होगा x डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या इसको यूँ लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, जहाँ म्यू जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। x डबल डॉट को हम वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो इक्वेशन है हमारे पास वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स और वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन। मान लेते हैं कि ए बिंदु पर और दूरी ओ ए को ए मान लेते हैं, तो ए बिंदु पर एक्स का मान हो गया ए के बराबर और वेलोसिटी मान लेते हैं कि पार्टिकल उस समय क्षणिक रूप से विरामावस्था पे आता है तो ए बिंदु पर वी जीरो। तो जब दोनों ये कंडीशंस हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो सी वन का मान आएगा म्यू ए स्क्वायर और इससे हमारे पास रिजल्ट आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर दो नाम दे देते हैं। यह समीकरण वेलोसिटी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है। अब दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में हम मान लेते हैं कि पार्टिकल ए बिंदु से विरामावस्था से रवाना होता है और ओ की तरफ बढ़ता है, तो इस स्थिति में वह घटती हुई दूरी की तरफ जा रहा है यानी डिक्रीजिंग साइड जा रहा है
तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे और हमारे पास है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट म्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v को dx बाई डी टी लिखा है हमने, या फिर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आता है t इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट म्यू कॉस इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी टू। प्रारंभ में पार्टिकल a से रवाना होता है और हमने कहा कि विराम अवस्था से रवाना होता है, तो a बिंदु पर x का मान हुआ a और v का मान हुआ 0। ये दोनों मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास c2 का मान 0 आता है। और t इज इक्वल टू वन बाई रूट म्यू कॉस इनवर्स ऑफ x बाई ए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ रूट म्यू टी, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। दूसरी स्थिति में मान लेते हैं कि पार्टिकल O पॉइंट से स्टार्ट होता है कुछ वेलोसिटी से और A बिंदु पर रेस्ट पे आता है, तो यहाँ इंक्रीजिंग साइड मूवमेंट है इसलिए वेलोसिटी जो है वो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो यहाँ पे V दैट इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास है टी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट म्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी थ्री। स्टार्टिंग पार्टिकल की ओ बिंदु से होती है इसलिए ओ बिंदु पर एक्स का मान जीरो है और टी भी जीरो है, जब दोनों मान हम यहाँ रखेंगे तो सी थ्री का मान जीरो आ जाएगा और ये मान वापस हम इस समीकरण में रखें तो हमें प्राप्त होता है टी इज इक्वल टू वन बाय रूट म्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ रूट म्यू टी, इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। अर्थात अगर पार्टिकल ओ बिंदु से स्टार्ट होकर ए बिंदु की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस के लिए हम x इक्वल टू ए साइन रूट म्यू टी फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर पार्टिकल a बिंदु से स्टार्ट होकर o बिंदु की तरफ जा रहा है तो उस केस में डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ रूट म्यू टी होगा। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ SHM क्या है, यानी सरल आवर्त गति की प्रकृति क्या होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की परिभाषा से x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स होता है और वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पर्टिकुलर a पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ए माइनस म्यू ए होगी और ये एक्सेलरेशन का मान मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी परिमाण में यह एक्सेलरेशन का मान मैक्सिमम होगा और उस केस में वेलोसिटी यहाँ जीरो होगी। तो ए बिंदु पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी मिनिमम होती है। पुनः ओ बिंदु की बात करें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और जो वेलोसिटी है वो रूट ऑफ म्यू ए होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ओ बिंदु पर मिनिमम होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब हम देखते हैं कि पार्टिकल अगर ए बिंदु से स्टार्ट हो रहा है तो जब पार्टिकल ए बिंदु से प्रारंभ करता है तो वो एक्सेलरेशन, चूंकि एक्सेलरेशन की दिशा ओ बिंदु की तरफ है तो ओ बिंदु उसको आकर्षित करेगा और पार्टिकल ए से ओ की तरफ रवाना होगा। ए बिंदु पर उसकी वेलोसिटी मिनिमम है तो जैसे जैसे वो पार्टिकल ओ बिंदु की तरफ बढ़ेगा उसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे ही पार्टिकल ओ बिंदु पर पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब चूंकि वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम है इसलिए पार्टिकल यहाँ रुक नहीं सकता, तो पार्टिकल उस वेलोसिटी से इसी दिशा में आगे बढ़ेगा और जैसे ही पार्टिकल इस दिशा में आगे बढ़ेगा एक्सेलरेशन पुनः उसको ओ की तरफ खींचेगा, क्योंकि ओ जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट है। तो एक्सेलरेशन जब ओ की तरफ खींचेगा और वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल ए डैश की तरफ बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी और जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा वेलोसिटी कम होते होते एक बिंदु ऐसा आएगा जिसको हम ए डैश मान लेते हैं, वहाँ वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। तो ए डैश फिर वो बिंदु है जहाँ पर वेलोसिटी शून्य हो गई और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया। अब चूंकि वेलोसिटी शून्य हो गई तो पार्टिकल यहाँ क्षणिक रुकेगा लेकिन एक्सेलरेशन ओ की तरफ आकर्षण ओ की तरफ आकर्षित होता है, एक्सेलरेशन की वजह से पार्टिकल ओ की तरफ आकर्षित होगा इसलिए पार्टिकल फिर ओ की तरफ चलेगा और जैसे ही पार्टिकल ओ की तरफ चलेगा उसमें फिर वेलोसिटी आ जाएगी और इस तरह
पार्टिकल का ए से ओ, ओ से ए डैश, ए डैश से ओ और ओ से ए, उसकी गति चलती रहेगी और इसी को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। अब अगर हम इस पार्टिकल द्वारा तय किए गए समय की बात करें तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू ओ, अगर हम ये कहें कि पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है तो हम समीकरण नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे, x इक्वल टू ए कॉस ऑफ रूट म्यू टी, और यहाँ से t का मान अगर हम निकालें तो हमारे पास है t1 वन इज इक्वल टू 1 बाय रूट म्यू कॉस इनवर्स ऑफ x बाई ए, एक्स की जगह यहाँ 0 क्योंकि हमें a से o की तरफ जाना है और o पर पहुँचने पर पार्टिकल के लिए x का मान 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ x का मान 0 आएगा और ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास t1 की वैल्यू आई पाई बाय 2 रूट म्यू, यानी a से o तक पहुँचने में पार्टिकल द्वारा तय किया गया या लिया गया समय। अब पार्टिकल ए से ए डैश और वापस ए डैश से ए तक आए तो उसके लिए पार्टिकल को समय लगेगा 4 इंटू टी वन, और इसको हम यूँ कह सकते हैं 2 पाई बाय रूट म्यू। इसलिए इस सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल होगा वो होगा 2 पाई बाय रूट म्यू। तो अब हम कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, यानी सरल आवर्त गति का आयाम क्या होता है। SHM के अंतर्गत गतिमान किसी कण की किसी भी विरामावस्था से केंद्र की दूरी आयाम कहलाती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट वेयर पार्टिकल हैज़ वेलोसिटी 0 means the distance OA is called amplitude of simple harmonic motion. Second is period of simple harmonic motion, yani आवर्तकाल, किसी कण के चरम बिंदु A से चलकर वापस A तक पहुँचने के समय को, A से चले और वापस A तक पहुँचे, ये जो समय होता है इसको हम सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कहते हैं। और अभी अभी हमने ये पढ़ा कि इसका जो मान होता है वो 2 पाई बाय रूट भी होता है। इसमें ए का कोई रोल नहीं है, यानी ए स्मॉल ए को हमने आयाम कहा था और इसमें इसका कोई रोल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पीरियडिक टाइम होता है, पीरियड ऑफ SHM होता है, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। तीसरी परिभाषा है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी एक सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशंस होंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इज इक्वल टू 1/t, और t का मान जब हम रखेंगे तो आवृत्ति हमें प्राप्त होगी n इज इक्वल टू रूट म्यू अपॉन 2π। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण। मान लेते हैं कि पार्टिकल है वो एक सर्कल में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी को हम सिंबॉलिकली ओमेगा मान लेते हैं। अब जो पार्टिकल की पोजीशन है किसी समय टी पॉइंट पे, मान लेते हैं पी बिंदु पर है, वो फिक्स पॉइंट यहाँ सेंटर हो गया, तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो r" - r θ² होता है। और रेडियस यहाँ हम a लें, a कांस्टेंट हुआ सर्कल के केस में, तो r" की वैल्यू 0 हो गई, और जो एक्सेलरेशन हुआ वो po की दिशा में होगा और इसकी वैल्यू हो गई r" - r θ² के फॉर्मूले से r θ² यानी a ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट जो है वो हमारी ओमेगा है, तो जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स o हो जाएगी, ए ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव साइड है तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। अब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग ए ओ, अगर इस एक्सेलरेशन का हम कंपोनेंट निकालें तो वो होगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ एंगल ओ ए और ओ पी के बीच जो कोण है वो थीटा ले लेते हैं, तो हमारे पास कंपोनेंट की वैल्यू आ रही है ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओ एम, और ओ एम को अगर हम सिंबॉलिकली एक्स मान लें तो इसकी वैल्यू हो गई ओमेगा स्क्वायर एक्स।
हैंस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज एम फ्रॉम पी टू डायामीटर इज एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका मतलब कि यदि कोई कण अचर कोणीय वेग से किसी वृत्त में गमन करे तो उससे किसी व्यास पर डाले गए लंब का पाद एक SHM का अनुसरण करता है। मीन्स इफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए सर्कल विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पार्टिकल ऑन ए डायामीटर मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन।